हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जरूर जाने। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस जियो के 1500 रुपये वाले फ़ोन में किसी भी इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने इस जियो के 1500 रुपये वाले फ़ोन के डेस्कटॉप पे यानी स्क्रीन पे सेव कर सकते हैं कोई भी इमेज क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कोई भी इमेज आपको डाउनलोड करना है, चाहे वो आपके स्क्रीन पे सेव करने के लिए या फिर किसी और काम के लिए, तो किसी भी इमेज को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं जियो के 1500 रुपये वाले फ़ोन में, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। तो इमेज को डाउनलोड करने के लिए मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप वीडियो को जियो फोन में देख रहे हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे तो आपका ये नीचे ओपन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन पार्ट, यहां पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने एक लिंक दिया है जो कि वेबसाइट का है। और आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, एंड्रॉइड फ़ोन में देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आराम से ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप उसके वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको डाउनलोड करना है वो इमेज। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आएंगे, इसको आपको स्किप कर देना है, एक ऐसी वेबसाइट है। 5 सेकंड का ये यहाँ पे कुछ चलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्किप बटन का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पे स्किप पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। स्किप ऐड पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे अनलिमिटेड थीम वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं वॉलपेपर, तो अगर आप वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वॉलपेपर मिलेंगे। अगर आपको व्हाट्सअप फेसबुक इमेज चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं 3D वॉलपेपर, तो यहाँ से। अगर आपको कोई कार का चाहिए या अमेजिंग या फिर बहुत सारे यहाँ पे अनलिमिटेड मिल जाते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे एनिमल का चाहिए तो एनिमल का यहाँ पे बहुत सारे A to Z मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल देख सकते हैं ब्यूटीफुल, तो मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक कोई फूल डाउनलोड करके दिखाता हूँ और उसे अपने डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाऊंगा, यानी स्क्रीन पे अपने उसे लगा के भी दिखाऊंगा। तो मैं नीचे जाऊंगा तो ये देख सकते हैं ये रहा, तो मैं किसी एक को जैसे ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जिसको आपको डाउनलोड करना है उस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है देख सकते हैं डाउनलोड वॉलपेपर या फिर व्यू। तो मैं मुझे डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप किसी भी वॉलपेपर को आसानी से, ये देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड, तो किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे काट देता हूँ और उसके बाद मैं इसे अपने वॉलपेपर पे सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पहले भी एक डाउनलोड किया था तो इसे मैंने सेव किया था, अब मैं इसे सेव करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने अभी इसको डाउनलोड किया, यहाँ पर क्लिक करते हैं इमेज पर। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और यहाँ पे सेट एस, और उसके बाद हम वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेट पे। तो ये देख सकते हैं अब मैं दिखाता हूँ कि जो नया वाला फुल मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे सेट हो चुका है। तो बहुत अच्छा वेबसाइट है, यहाँ से आप अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कमेंट रहता है छोटा सा भी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।